भैया ने अभी कब्र का जिक्र किया तो शुरुआत उसी से कर रहा हूँ कि क्या कहा अब भी तुझे ही चाहता रहूँ मैं। ये नई पंक्तियाँ हैं दीपक भैया। क्या कहा अब भी तुझे ही चाहता रहूँ मैं, ये रिश्ता एक तरफा निभाता रहूँ मैं। हाँ याद आया तूने ये रिश्ता निभाया तो था, मुझे जीते जी कब्र में दफनाया तो था। चंद पंक्तियाँ और हैं कि वफा यारो उसने कुछ ऐसे निभाई, मोहब्बत अपने हाथों से कब्र में दफनाई। बड़ी बेगैरत निकली वो मतवाली, हंसते हुए उसने अपने हाथों से मेरी कब्र पर मिट्टी डाली। अब सुनिएगा कि मोहब्बत दफन हो चुकी है, मिट्टी डल गई है। और अगली पंक्तियाँ जो हैं दीपक भैया, गौतम भैया, गोला भैया सभी को नज़र हैं कि वफा यारो उसने कुछ ऐसे निभाई, मोहब्बत अपने हाथों से कब्र में दफनाई। बड़ी बेगैरत निकली वो मतवाली, हंसते हुए उसने अपने हाथों से मेरी कब्र पर मिट्टी डाली। फिर वक्त ने मुझे सफलता की ओर कुछ यूं उछाला, मेरे यारों ने कब्र तक से मुझे जिंदा बाहर निकाला। शुक्रिया भैया। चंद पंक्तियां हैं, ये कुछ नया है भैया, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि वक्त ने मुझे सफलता की ओर कुछ यूँ उछाला, मेरे यारों ने कब्र तक से मुझे ज़िंदा बाहर निकाला। लगता है वो इश्क कुछ ऐसे निभाना चाहती है कि जीते जी तो मिलना नहीं है और मेरी कब्र पर फूल चढ़ाना चाहती है। लगता है वो इश्क कुछ ऐसे निभाना चाहती है कि जीते जी तो मिलना नहीं है और मेरी कब्र पर फूल चढ़ाना चाहती है। इश्क तुझसे किया था अब किसी और से नहीं करेंगे, हम भी बहुत टेढ़े हैं जान, तुझसे पहले नहीं मरेंगे। शुक्रिया भैया। अब ये चंद नई पंक्तियां हैं, अभी तक सुनाया है मैंने, अब ये कुछ नया है। सभी लड़कों को नज़र है पहली दो पंक्तियां कि बीमारी भी ऐसी है, रोग भी कैसे कहूँ इसे। अब संभालना अगली पंक्तियां कि बीमारी भी ऐसी है, रोग भी कैसे कहूँ इसे, हर दूजा लड़का आशिक है पर सच्चा प्रेमी कहूँ किसे। शुक्रिया भैया। बीमारी भी ऐसी है, रोग भी कैसे कहूँ इसे, हर दूजा लड़का आशिक है पर सच्चा प्रेमी कहूँ किसे। चाहत वो ही होगी तेरी जिसकी तुझको चाह भतेरी। चाह सबको अलग अलग होती हैं, किसी को गुटके की, किसी को खेल की, किसी को कविताओं की। तो सुनिएगा कि चाहत वो ही होगी तेरी जिसकी तुझको चाह भतेरी, ठान तो ले तू सफल है होना, मिलेंगी तुझको राह भतेरी। छोटा बच्चा अपनी माँ को सबसे प्यारा माने है, जो तू ना जाने माँ की इज्जत तो फिर तू क्या जाने है। अच्छा अभी भैया ने आस्तीन के सांपों का जिक्र किया था तो चंद पंक्तियां हैं, सर्प से थोड़ी सी ताल्लुक़ रखती हैं, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। हास्य व्यंग का है कुछ। वो इश्क में जो नागिन होगी तो मैं भी सपेरा बन जाऊँगा, वो इश्क में जो नागिन होगी तो मैं भी सपेरा बन जाऊँगा, वो मुझे डस भी ना पाएगी और मैं उस जैसी हज़ारों को पकड़ लाऊँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भैया। उसके कंगन की खन खन के शोर में खोए, उसके कंगन की खन खन के शोर में खोए, उसकी शादी के दिन हम अकेले रोए। ये बाजा उसकी बारात का लगता है, ये दूल्हा तो मेरा रकीब सा सचता है। कुछ ऐसे वो रात मुझे अधूरा कर गई, मेरे हिस्से में आई जुदाई इश्क पूरा कर गई। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। नए वाले कंगन रहने देते हैं, वैसे भी यहाँ मौजूद नहीं है। चलिए कुछ पंक्तियाँ हैं, ऐसे चंद लोग हैं जो आज पहली बार अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मैंने आज रास्ते में लिखा भी था, आज नहीं पहले लिखा है थोड़ा पहले, लेकिन एक बार रास्ते में स्टूडियो आ रहा था तभी लिखा था कि बड़ी ही आस ले करके शहर को जा रहा हूँ मैं,
कि आशीर्वाद लेकर के गांव से आ रहा हूँ मैं, सुनेगा मुझको भी ये जग, वो लम्हा दूर अब ना है, उसी लम्हे की खातिर तो आज भी गा रहा हूँ मैं, उसी लम्हे की खातिर तो आज भी गा रहा हूँ मैं। और नौबत कैसे आई गाने की और लिखने की, अगली पंक्तियों में सुनिएगा कि जो मुझ पे बीत जाती है अकेले अब भी रातों में, जुबां पे आ ही जाती है अक्सर बातों बातों में, खता है इश्क में उसकी जो वो छुपा रहा हूँ मैं, भरी महफिल में खुद को बेवफा बता रहा हूँ मैं, भरी महफिल में खुद को बेवफा बता रहा हूँ मैं। नज़र से झलक न जाए आंसू वो दर्द कैसा है, अगली पंक्तियां जो हैं बहुत ही, अगली एक पंक्ति सच्चाई है कि नज़र से झलक न जाए आंसू वो दर्द कैसा है, मोहब्बत से भी बढ़कर जग में यारो आज पैसा है, जो देखा सुन लिया और घट गया बस 20 सालों में, वही वो इश्क है जो सबको सुना रहा हूँ मैं, भरी महफिल में खुद को बेवफा बता रहा हूँ मैं। अच्छा ये आधा अधूरा है, थोड़ा और बढ़ाएंगे पर फिलहाल ये इतना ही लिखा है। कुछ और एक छोटा सा लेख है, करके देखो प्यार ज़रा, करके देखो प्यार ज़रा, बेहद प्यारा लगता है हर जोड़े को दुनिया में, हुस्न बेचारा लगता है। शुक्रिया भैया। करके देखो प्यार ज़रा, बेहद प्यारा लगता है हर जोड़े को दुनिया में, हुस्न बेचारा लगता है, कहें भी तो आखिर कैसे सब न्यारा न्यारा लगता है, कहें भी तो आखिर कैसे सब न्यारा न्यारा लगता है, प्यार की झील का इकलौता महबूब किनारा लगता है। शुक्रिया भैया। अच्छा ये अगली पंक्तियाँ जो हैं, दीपक भैया, गौतम भैया, शायद गोला भैया भी पहुँच जाएंगे कि किस ओर इशारा है मेरा। चार पंक्तियाँ हैं, ये लेख है उसे नज़र जो मेरी जीवन साथी है, रिश्ता तो मैं मान चुका बस फेरे लेना बाकी है, ये लेख है उसे नज़र जो मेरी जीवन साथी है, रिश्ता तो मैं मान चुका बस फेरे लेना बाकी है, एक दूजे के साथ बिना हमारी दुनिया आधी है, हम सफ़र हम राही है, मैं कलम वो स्याही है। शुक्रिया। अच्छा चंद पंक्तियाँ और हैं इसमें, पर वो चलो स्याही को सुना देंगे। अब एक आखिरी है, जैसे कोरोना की महामारी चल रही है तो मैंने किसी से एक पुकार करी है छोटी सी, वो आखिरी पंक्तियाँ, उनके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। आज दुनिया तुमको देखती है उम्मीद की नज़र से, आज दुनिया तुमको देखती है उम्मीद की नज़र से, विदेशों में भी तुम पूजे जाने लगे हो, इस आपदा से निकालने का कुछ तो जतन करो मेरे कान्हा, तुझसे ही उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं, इस आस में कि हम सबको बचाने तू एक बार फिर आएगा, तेरे नाम का दीपक जलाए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।